माथे पर टीका, गले में गमछा, ये दुर्लभ कश्यप की पहचान थी। और उस दौर में एमपी पुलिस दुर्लभ कश्यप की बनाई गई गैंग से परेशान थी, और खासतौर से उज्जैन पुलिस, क्योंकि उस गैंग में नए उम्र के लड़के ज्यादा तादाद में शामिल हो रहे थे। इलाके के लोग परेशान थे और वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी धमक दिखाते थे और रंगदारी से लेकर तमाम मामलों को निपटाने का चैलेंज देते थे। अब एक गैंग ऐसी और सामने आई, इस गैंग का नाम है पानीपत गैंग, और इस गैंग ने एमपी पुलिस के सामने परेशानी खड़ी कर दी। दिक्कत ये होती है जब नई उम्र के लड़के इस दिशा में निकल जाते हैं तो जिस तरीके से वारदात करते हैं, या यूं कहूं कि वारदात करने का जो तरीका होता है वो पुलिस के लिए ज़्यादा चुनौती होता है। ऐसी ही एक गैंग गुना जिले में एक्टिव हुई, नाम रखा पानीपत गैंग, और लोग इतने परेशान कि थाने में चक्कर लगा रहे हैं। गैंग के काम करने का तरीका ही अलग, वैसे ही स्टाइल नए लड़के इस गैंग में ज़्यादा शामिल हैं, और सोशल मीडिया के जरिए धमक दिखाने की कोशिश की जाती है, और बताया जाता है कि जो नहीं मानता है उसके घर जाकर गोली चला दी जाती है। पीड़िता जब फरियादी पहुंची थाने तो उसने खुद बताई बात, गोली चला रहा है, घर के बाहर आन के गोली चलाते हैं और घर में मारपीट करते हैं, गेटन में लाते देते हैं। पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही, एक साल हो गई आवेदन देती, रिपोर्ट नहीं लिख रही पुलिस। वो लोगों के साथ ही मारपीट होती है, बहुत सारे इनके साथ करते हैं, उन पर केस भी दर्ज बहुत है। अब इस पूरे मामले को लेकर, चूंकि हथियार आते कहां से हैं, इस तरीके के नए लड़कों को हथियार कौन उपलब्ध कराता है, क्या दूसरे स्टेट से हथियार आते हैं, गैंग बन जाती है और नई उम्र के लड़के इस तरीके से गैंग बनाते हैं, इस मामले में एसपी क्या कह रहे हैं सुनिए। हमारी जो आज ही हमारी समीक्षा बैठक थी, जो पिछली बार लोकसभा इलेक्शन के दौरान जो कार्रवाई हुई थी आर्म्स एक्ट रिलेटेड, हम लोग ऑलमोस्ट उतना कर लिए हैं, और आने वाले दिनों में जैसा कि अभी 20-25 दिन इलेक्शन में मैक्सिमम कार्रवाई कर लेंगे। सर, क्रॉस बॉर्डर होके आते हैं चंबल क्षेत्र से, मतलब किस क्षेत्र से मूवमेंट ज़्यादा होता है इनका, कुछ आपको? ये मिक्स्ड है, ये सभी जगह से, अभी जैसे मयाना थाना क्षेत्र में ही एक व्यक्ति से कई असला जब्त किया गया था, तो जो लिंकेजेस निकाला गया है उसमें वो सभी जगह से मिले। तो एसपी बता रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं और तमाम चीज़ें हम देख भी रहे हैं कि आखिरकार कहीं दूसरी जगह से हथियारों की सप्लाई होती है और इस तरीके से दहशत फैलाई जाती है, वारदात को अंजाम दिया जाता है। दरअसल एमपी पुलिस के लिए, खासतौर से गुना जिले की पुलिस के लिए, ये इस तरह की नई गैंग परेशानी का सबब बन गई है। जैसा मैंने आपको बताया कि गैंग के काम करने का तरीका वही है जो पहले दुर्लभ कश्यप किया करता था, सोशल मीडिया पर धमक दिखाना, रंगदारी वसूलना, धमकाना और इस तरीके से वीडियो बनाकर लोगों को धमकाना, ये एक अलग किस्म का क्राइम है, और इस क्राइम की तरफ अगर युवा भटक जाते हैं तो चले जाते हैं। ऐसे ही इस नई गैंग ने पुलिस के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। हालांकि पीड़िता कह रही थी कि पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, एसपी कह रहे हैं कि एक्शन लेंगे इस तरीके की गैंग पर, क्योंकि सवाल तो उठ रहा है कि अगर सड़क पर हथियार लहराकर लोग चलेंगे, इस तरीके की गैंग बनाएंगे, तो फिर आखिरकार इलाके में दहशत फैलेगी। यही वजह है कि पुलिस परेशान तो नजर आ रही है, लेकिन पुलिस क्या एक्शन लेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई बार छोटी गैंग जब बन जाती है इस तरीके से, वो आगे जाके बड़ा एक तरीके से पुलिस के लिए ही चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग बन जाती है। अब इस नई गैंग ने जिस तरीके से पुलिस के लिए परेशानी बढ़ाई है, पुलिस भी इससे निपटने में कामयाबी का दावा भी कर रही है। अब देखना होगा पुलिस कब तक एक्शन लेगी और किस तरीके से कंट्रोल कर पाएगी इस कंडीशन को, इस तरीके की स्थितियों को। फिलहाल नई गैंग के आने से पुलिस ने चुनौती जरूर महसूस की है और पुलिस इसमें कामयाब होने की बात भी कह रही है। गुना से आप तक खबर पहुंचाई विकास दीक्षित ने, आप देखते रहें।